हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस में बनाना सीखेंगे यूट्यूब का क्लोन। यूट्यूब क्लोन एक ईपी प्रोजेक्ट है जिसके साथ यूट्यूब का चैनल आप फेच कर सकते हैं, चैनल डेटा फेच कर सकते हैं, चैनल लोगो फेच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हो गई या फिर उसका टाइटल हो गया, सब कुछ आप ईपी के साथ फेच करना सीख सकते हैं रिएक्ट जेएस में। ये है हमारा प्रोजेक्ट, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। YouTube क्लोन है, यहाँ पर ये हमें कुछ बाय डिफॉल्ट चैनल से मिले हुए हैं, इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सर्च करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना चैनल सर्च करूंगी। इधर मैं सर्च कर देती हूँ अपने चैनल का नाम, एंटर करो तो यहाँ पर मेरा चैनल आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे चैनल की वीडियोस आ गई। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो चैनल की वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर स्क्रॉल डाउन करो, इधर मेरे पास मेरे चैनल का नाम है और चैनल का लोगो है, ये है एक टाइटल। तो डिस्क्रिप्शन मैंने कोई भी ऐड नहीं की, अगर डिस्क्रिप्शन ऐड की हो तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी नजर आएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, कोई भी आप चैनल सर्च कर सकते हैं, पूरे का पूरा एक्यूरेट डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और कोई हम चैनल देख लेते हैं, यहाँ पर हम मिस्टर बीस्ट का देख लेते हैं, एंटर करो तो यहाँ पर देखो इनका भी चैनल आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो इनकी भी वीडियो प्ले हो जाएगी। वीडियो प्ले करनी है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वीडियो प्ले हो जाएगी। तो बिल्कुल एक्यूरेट, ये हमारा बिल्कुल वर्किंग एक प्रोजेक्ट है रिएक्ट जेएस में, हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। चलते हैं हम अपनी कोडिंग की तरफ। यहाँ पर हम वीएस कोड में इसका कोड टाइप करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी आपको कंपोनेंट क्रिएट करने हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। कंपोनेंट मतलब कितने पेजेस आपने क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहले वो सारे पेजेस हम मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ। यहाँ पर ये हमारा मेन है पेज ऐप डॉट जेएस, ये पूरा कोड आपने ऐप डॉट जेएस एक्स में लिखना है। मैंने जहाँ पर यूज किया है वीट, तो आप वीट हो या फिर यूज कर रहे हो या रिएक्ट, आपकी मर्जी है, कोड सारा सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे एक यूट्यूब, ये कंपोनेंट सारे हमने क्रिएट करने हैं, तो जो जो कंपोनेंट चाहिए मैं उसको पहले जहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये रहेगा मेरे पास एक कॉम्पोनेंट, इसका नाम हम यूट्यूब रख देते हैं, एक रहेगा यूट्यूब, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। एक हमने बनानी है सर्च बार, उसका अलग कंपोनेंट बनेगा। एक वीडियो लिस्ट चाहिए, एक वीडियो डिटेल, इतने सारे कंपोनेंट हमने क्रिएट करने हैं। इसका नाम मैं रख देती हूँ सर्च, सर्च बार, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं क्रिएट कर रही, अगर आपने फोल्डर क्रिएट करना है तो आप कंपोनेंट का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रही। ओपन नहीं, मैंने सारे के सारे पेजेस क्रिएट कर देने हैं। ठीक है, और जहाँ पर मैं लिखूंगी एक वीडियो डिटेल का हमें चाहिए, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर दो पेस्ट। ये सारे के सारे पेजेस हमने क्रिएट करने हैं, अभी क्रिएट कर लो आपकी मर्जी है, या वन बाय वन क्रिएट करते जाना। ठीक है, तो ये सारे पेजेस हमने क्रिएट कर लिए। सबसे पहले तो हम यूट्यूब वाले पेज पे चलते हैं, ये वाला यूट्यूब है ना, इसको मैंने क्रिएट कर रखा है, सोर्स वाले फोल्डर है, मैंने इसमें ओपन इसको क्रिएट किया है। तो यूट्यूब ये वाला है मेरे पास पेज, इसके ऊपर चलते हैं, सारा काम इसी का मेन होगा, हमने एपीआई लगानी तो इसी के बीच लगाएंगे। सबसे पहले ये वाला जो YouTube वाला पेज है आपका, जो कंपोनेंट, यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लो। इधर इंपोर्ट करना है एक्सियोस, तो ये एक्सियोस हम यूज करते हैं एपीआई के साथ काम करने के लिए। तो मैं जहाँ पर लिख दूंगी फ्रॉम एक्सियोस से, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और जहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाना है, नाम इसको आप रख दो, की रख दो, तो यहाँ पर हम एपीआई की यूज कर रहे हैं, तो आपने ऐसे इसको लगा के छोड़ देना है। ठीक है, इसको हम ऐसे एंटर कर देते हैं, ये वाली रहेगी हमारी एपीआई की, इसको बस आपने फिलहाल ब्लैंक छोड़ देना है, इसको हम लास्ट में क्रिएट करेंगे। एक्सपोर्ट कर लो, डिफॉल्ट आप ऐसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सियोस डॉट क्रिएट करना है क्या, अब यहाँ पर मैं या तो टाइप कर देती हूँ, वैसे ये सब हमें चाहिए, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बेस यूआरएल आपने लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। एक्सेस डॉट क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करना है मुझे एक यूट्यूब की एपीआई, एक एपीआई की चाहिए, एक इनका यूआरएल चाहिए। तो बेस यूआरएल के अंदर हम इनका यूआरएल रखेंगे। यूआरएल क्या है मेरे पास, HTTPS, यहाँ पर आएगा मेरे पास गूगल एपीएस, तो मैं यहाँ पर गूगल एपीआई यूज करूंगी। जैसे हम गूगल की एपीआई क्रिएट करते हैं, पहले भी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था गूगल मैप का सेम, वैसे ही हम एपीआई क्रिएट करेंगे। तो गूगल एपीआई बहुत सारी एपीआई आपको प्रोवाइड कराते हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप इनकी एपीआई के साथ। तो यहाँ पर गूगल एपीआई आपने लिखना है इनकी वेबसाइट का नाम, मुझे यूट्यूब की एपीआई चाहिए तो मैं यूट्यूब लिखूंगी, जिसका होता है वर्जन V3, जो लेटेस्ट है तो आपने V3 लिख देना है। यहाँ पर पैरम लिखना है आपने, इसके बीच आपने कुछ कीवर्ड लिखने हैं, यहाँ पर आएगा पहले पार्ट,
पार्ट में स्निपेट रखेंगे तो अपने इसको चेंज नहीं करना, सेम ऐसे ही रखना है। मैक्स रिजल्ट आप 5 रखो, आपके पास कितने यहाँ पर वीडियोस शो होनी है, तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 5 है, ठीक है। अगर आप 10 कर दें 10 वीडियो आ जाएंगी, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फिलहाल इसको 5 रख लो। यहाँ पर आएगा की, इधर आएगा आपका ये वाला की वाला, इसके अंदर जो भी हम की मेंशन करेंगे सारा काम वही करेगी। एक की क्रिएट करेंगे, उसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, और ये वाला जो कीवर्ड है इसको आपने यहाँ पर ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये हमारे YouTube.js हो गया कंप्लीट। इसके अंदर ईपे की हम बाद में लगाएंगे, इसको सेव करके हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो YouTube है हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, इसको आपने याद से app.js में ऐड कर देना है। अब बारी आती है सर्च बार की, तो इनके पेज पे चलते हैं। एक आपने दूसरा पेज या कंपोनेंट क्रिएट कर लेना है, कोई भी नाम दे दो सोर्स फोल्डर में। सर्च बार पे चलते हैं, ये वाला मैंने क्रिएट कर रखा है। इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, फ्रॉम रिएक्ट एक नाम दे दो इसको, फंक्शन कॉन्स्ट बना देते हैं, नाम इसका हम रख देते हैं सर्च बार। तो ये वाला जो नाम रखा हुआ है ना सर्च बार, इधर आपने चेक कर लेना, अगर आपने यहाँ पे सर्च बार लिखा हुआ है यहाँ पर ये सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। इधर आपने एक पास करना है ऑब्जेक्ट ऑन फॉर्म सबमिट, यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म मतलब एक इनपुट फील्ड लगेगी, यहाँ पर कुछ भी हम एंटर करेंगे, चैनल नेम उसका डेटा मुझे मिलना चाहिए। एक कॉन्स्ट बना लेते हैं, नाम इसको दे दो टर्म, सेट टर्म यहाँ पे लगा लो यूज स्टेट। यूज स्टेट इंपोर्ट होनी चाहिए, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। कॉन्स्ट एक जहां पर हम लगाएंगे, रिटर्न में चलते हैं, रिटर्न लगा लो। इसके बीच आ जाओ एक डिव लगाओ, क्लास नेम ऐड कर देते हैं। इसको डिजाइन भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको, क्लास नेम ऐड कर देते हैं हम सर्च बार। एक और फॉर्म लगाओ, फॉर्म के बीच आपने एक इनपुट फील्ड लगानी है, एक बटन बस। तो जहां पर फॉर्म लगाना जरूरी है, डायरेक्ट इनपुट नहीं लगाना, क्योंकि हमने ऑन सबमिट पे डेटा फेच करना है। तो मैं जहां पर लिखूंगी इनपुट फील्ड, इसकी टाइप लिख लो टेक्स्ट, इनपुट फील्ड होगी। इसको आपने एक बटन भी साथ में ऐड कर देना है, इधर ही कर देते हैं। ये इनपुट फील्ड एंड है, यहां पर एक बटन लगा लो, इसके ऊपर लिख लो सर्च बस। अभी फिलहाल हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि जहां पर हमारे मेरे एपे की नहीं ऐड की। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, बैक चलते हैं, पूरा बैक चले जाते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया ना। अब ये वाला जो सर्च बार है app.js में आ जाना है, अपनी सर्च बार को हमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न पे आ जाना, ठीक है। इधर भी आप एक डिव लगा सकते हैं, इसको क्लास ऐड कर दो, क्लास नेम ऐप कंटेनर, जहां पे सबसे पहले सर्च बार ऐड करो। आप ऐसे ही कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लो, एक तो ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं तो आप एंटी टैग लगाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही कर देते, ठीक है। सर्च बार यहाँ पर देखो, इसको हाईलाइट हो गया ना, अपने आप हाईलाइट हो गया, मतलब हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसको रेंडर करना भी बोलते हैं, तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, हमारा जो सर्च बार है वहां पर लग चुकी होगी, ठीक है। और ये वाला जो यूट्यूब है वो इसको नहीं मिल रहा, यहाँ पर हमने लगाना है ऐसे, एक यहाँ पर ऐसे डॉट लगाओ, हर एक पेज के साथ ऐसे डॉट लगाओ, जिसका रेंडर करने का तरीका है। और ये वाला जो यूट्यूब है अभी इसको मिल नहीं रहा, क्योंकि वो हाईलाइट ही नहीं हुआ ना। आप जहां से ये वाला यूट्यूब है इसको फिलहाल आप हटा सकते हैं, क्योंकि इसका काम बाद में है, लास्ट में हमने एपीआई लगानी है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरर चली गई, क्योंकि इसकी जब तक एपीआई नहीं लगाएंगे तब तक ये एरर क्रिएट करता ही रहेगा। अब हम सर्च बार पे चलते हैं, हम यहाँ पे थे, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट जो नाम हमने लगाया हुआ है ये वाला कॉपी कर लो, इसको कर लो एक्सपोर्ट, रिफ्रेश, इसको बंद कर दो। चलिए यहाँ पे हो गया सर्च बार वाला, इसको साथ में इंस्पेक्ट ओपन कर ही लेते हैं, ताकि हमें साथ साथ में एरर पता चलती जाए।
एरर तो अभी फिलहाल बहुत आनी है हमारे पास, तो ये वाला हो गया। फिर से रिफ्रेश करते हैं, एक्सपोर्ट तो हमने कर दिया, फिर भी यहाँ पर एरर बता रहा है, यहाँ पे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर एप डॉट जीएस है ना, ये वाले जो पेज आपने अगर क्रिएट कर लिए थे वो सही है, इसको हटा देते हैं, इसको हम एक एक करके बाद में ऐड करते जाएंगे। आपको पता चल गया होगा कि कितने हमने ऐड करने हैं पेजेस। रिफ्रेश कर देते हैं, सर्च बार लग चुकी है, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे कोई भी सर्च करेगा तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम सर्च बार की कोडिंग कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे आ जाना है आपने, इसको एंटर कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे। सबसे पहले जो इनपुट फील्ड लगाई है इसमें कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं हम, जो हमारे लिए जरूरी है। ये वाली जो इनपुट टाइप है इसको एक टाइप लगानी है, एक इसमें वैल्यू ऐड करनी है। तो ये वाली एंगुलर ब्रैकेट है इसके बीच वैल्यू लगाओ, वैल्यू में आप रख दो टर्म, नाम कुछ भी रख दो। एक ऑन चेंज बनेगा, ऑन चेंज तो लगेगा इसके ऊपर, इसको नाम दे दो एक ऑन इनपुट चेंज। एक लगेगा इसको क्लास नेम ऐड करेंगे, सर्च सर्च बार या सर्च इनपुट रख देते हैं, इसको हम डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर आ जाओ। सबसे पहले एक हमने इसकी सीएसएस भी ऐड करनी है, इंपोर्ट कर लो, सीएसएस को ऐड कर दो। कॉस्ट बना लो एक ऑन इनपुट, जो अभी हमने लगाया था ऑन इनपुट चेंज, इवेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट पास कर दो। सबसे पहले हम सेट करेंगे टर्म, सबसे पहले गेट करेंगे वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी इसमें एंटर करेंगे, चैनल नेम एंटर करेंगे, उस चैनल नेम को गेट करना है, ठीक है। तो उस वो काम जे वाली लाइन करेगी, जो भी एंटर करते जाएंगे वैल्यू गेट होती जाएगी। कॉस्ट ऑन सबमिट, ये बटन के ऊपर हम लगाएंगे एक इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दो। ये वाला जो ऑन सबमिट है इसको आपने कॉपी कर लेना है, जब कोई बंदा फॉर्म को सबमिट करेगा तो यहाँ पर लगेगा ऑन सबमिट, यहाँ पे लगाओ ऑन सबमिट इज इक्वल टू एक नाम, तो इसको ऑन सबमिट सेम ही नाम रखो ऑन सबमिट, एक इसको क्लास नेम भी ऐड कर दो। ये फॉर्म के ऊपर लगाना है, सर्च बार फॉर्म, तो ये वाला जो ऑन सबमिट है ये आपने फॉर्म के ऊपर लगाना ही, ना के बटन के ऊपर, ठीक है। इसका जो कोड है पहले वो कर लेते हैं, जब फॉर्म सबमिट होगा देन क्या होगा, ऑन सबमिट पे इवेंट, सबसे पहले तो डिफॉल्ट इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे, पेज बार बार रिफ्रेश नहीं होगा। ऑन फॉर्म सबमिट को बस यहाँ पर टर्म ऐड कर दो, तो ये वाला जो कंसोल वाला हम हटा देते हैं। ऑन फॉर्म सबमिट है उसको, उसके अंदर सिर्फ हम टर्म रखेंगे, टर्म क्या रहेगी जो हम इसमें एंटर करते जाएंगे, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये अपने आप डिजाइन होगी क्योंकि मैंने सीएसएस ऐड की है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, फिलहाल हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट, सर्च बार का, सर्च बार लग चुकी है। अब यहाँ पे बटन की बारी है, बटन के ऊपर लिखो टाइप, बस इसकी टाइप आपने ऐड करनी है सबमिट, बाकी काम सब यहाँ पर खुद हो जाएगा। टाइप सबमिट करो, एक क्लास नेम ऐड कर लो, सर्च बटन, और यहाँ पे इसको कर दो बंद। ये हो गया टाइप, इसके बाद सबमिट करेंगे, ये सबमिट टाइप तभी वर्क करेगी अगर यहाँ पे फॉर्म को ऑन सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर आपने ये याद से लगा देनी है इसकी टाइप। सर्च बार का कोड खत्म, इसको आप बंद कर सकते हैं। ये वाला एक पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट, अब बारी आती है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जो आपने नेक्स्ट पेज क्रिएट करना है या फिर कंपोनेंट, वीडियो लिस्ट, पहले वीडियो लिस्ट हम गेट करेंगे, कॉपी पेस्ट इसको सेव कर दो। और यहाँ पर जो वीडियो लिस्ट है इसको हम ना हटा देते हैं, सबसे पहले एपीआई का काम करते हैं, जब तक हम यूआरएल एपीआई ऐड नहीं करेंगे तब तक ये वर्क ही नहीं करेगा, हमारे पास डेटा नहीं आना। उसके लिए हम चलते हैं गूगल पे, गूगल पे आके आपने यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, ये वाला मैंने लिखे हुए स्टेप्स। सबसे पहले गूगल पे जाके आपने सर्च करना है, कॉपी कर लेते हैं, गूगल क्लाउड कंसोल, साथ में एपीआई जरूर लिख देना एपीआई। तो यहाँ पर ये आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं।
यहाँ पर आपको इनकी लाइब्रेरी मिलेगी। आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइब्रेरी पे चले जाओ तो आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इनकी लाइब्रेरी पे आ जाएंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी पे आने के बाद आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, या आप पहले क्रिएट किया है प्रोजेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नया प्रोजेक्ट जो क्रिएट है और क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, आपने जहाँ पे आ जाना सिलेक्ट प्रोजेक्ट, ये आपके पास सारे ऑप्शन है। मैंने जहाँ पर ये पहले ही क्रिएट कर रखा है, एक मैंने मैप का बनाया था, एक यूट्यूब का। तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक नाम लिखना है, न्यू प्रोजेक्ट लिख के यहाँ पर आपने एक नाम लिखना है, एबीसी लिख देते हैं। इसको आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, जहाँ और लिखो नाम माई प्रोजेक्ट YT, क्रिएट कर लो। तो ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम दो, ये क्रिएट हो जाएगा। इसको हम ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर लेफ्ट साइड आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप आ चुके हैं। इसको हम ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं बंद, यहाँ पर आ गए। इसको आपने ये सारे के सारे ऑप्शंस है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपने चूज करना है। इसमें एक एपीआई एंड सर्विसेज वाला है, उसके अंदर ये है एक पहले वाला इनेबल एपीआई, इस पे चले जाना है। यहाँ पे आपने आके सर्च करना है ये चीज, YouTube डेटा एपीआई। जब तक आप अपनी एपीआई को इनेबल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आपके पास सर्च का ऑप्शन आना चाहिए। तो सर्च का मेरे पास अभी ऑप्शन ही आया, तो लाइब्रेरी पे चलते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी पे जाके आपने सर्च करना है YouTube डेटा एपीआई, इसको एंटर करो। ये पहले वाला है ना, बस इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करना है आपने, क्लिक करने के बाद बस इसको इनेबल कर देना है। तो मैंने पहले इनेबल कर रखा है, मेरी दूसरी एपीआई है, इसको बस इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है, मतलब आप इसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद आपने लाइब्रेरी पे चले जाना है, बैक जाओ। यहाँ पर क्रेडेंशियल्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपने एपीआई की क्रिएट करनी है, यहाँ पे क्लिक कर लो। ये सारी आपका एक मेन डैशबोर्ड होगा जहां से आपको एपीआई की मिलेगी। एपीआई की आपने क्रिएट करनी है, जहां पर क्रिएट लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे आपकी एपीआई क्रिएट हो जाएगी। उस की को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। कहाँ पेस्ट करना है? यूट्यूब वाला हमने पेज बनाया था, इधर आके आपने पेस्ट कर देना। तो मैं जहाँ पर पेस्ट करके इसको सेव कर देती हूँ। और जहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है, जहाँ पर एपीआई क्रिएट करनी है आपने, इनको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे बस आपने क्लिक करना है तो आपकी एपीआई क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अपनी एपीआई की लगा दी है। यहाँ पर इसको हम कंप्लीट शो नहीं कराते क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, फिर हम इसको यूज नहीं कर पाते, इसलिए हम शो नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, इसको बस हम सेव कर देंगे, इसको हम बंद कर देंगे। फिर मैंने एपीआई की को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके सेव कर दिया है। और यहाँ पर अगर आपको एपीआई की कहीं भी ना मिले ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एपीआई की, यहाँ पर शो की पे क्लिक करना है तो आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो पहली बार आप क्रिएट करेंगे अपने आप मिल जाएगी, तो अगर ना भी आपको कहीं दिखे तो यहाँ पर शो पे क्लिक करके एपीआई की आपके सामने आ जाएगी। कॉपी का ऑप्शन होता है, कॉपी कर लेना बस। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने आ जाना है ऐप डॉट जीएस में, मेन पेज पे आ जाना है ऐप वाले पे। पहले जहाँ पे हमें कुछ कोड लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाएंगे। वीडियोस हमें चाहिए तो नाम दे दो इसको, वीडियोस, सेट वीडियोस, यूज स्टेट यहाँ पे लगा दो, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। इसके अंदर वीडियोस आनी है, एरे हमने यूज किया है क्योंकि हमारे हमें ज्यादा वीडियोस चाहिए, 5, 10, 15 जितनी भी चाहिए। एक और कॉन्स्ट बनाओ, यहाँ पर लिखेंगे इसका नाम सिलेक्टेड वीडियो, कि हमने कौन सी वीडियो को प्ले करना है। तो यहाँ पर आप सेट कर लो इसको, सिलेक्टेड वीडियो, यूजर स्टेट भी लगा दो साथ में। इसको आपने ऐसे नल छोड़ देना है, बिल्कुल खाली, ठीक है। एक यूज, यहाँ पर यूज इफेक्ट लगेगा तो ये लगाना जरूरी है। क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये मैंने पहले बताया हुआ है बहुत बार। हमें यहाँ पे डेट अपडेट करना है, मैं वीडियोस प्ले कर रही हूँ, वीडियो वन बाय वन आती जा रही है, उसके लिए लाइव डेट अपडेट करना है, साइड इफेक्ट कुछ क्रिएट करने हैं, उसके लिए हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं। और यूज इफेक्ट के बीच आपने जस्ट लिखना है ऑन टर्म सबमिट।
यहाँ पे मैं वो कीवर्ड लिखूंगी बिल्डिंग्स, तो आपने सेम ऐसे ही लिख देना, ठीक है। ऑन टर्म सबमिट है, इसको हम क्रिएट करेंगे, इसकी एक डिपेंडेंसी होती है, इसको आप ऐसे ही लगा दो, ठीक है। ये एक यूज इफेक्ट का कंप्लीट सिंटेक्स है। और ये वाला जो ऑन टर्म सबमिट लिखा हो, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बस इसको आपने डिफाइन करना है। कॉन्स्ट ऑन टर्म सबमिट असिंक लगाएंगे। अब यहाँ पे असिंक लगेगा क्योंकि हमने ए पे यूज करनी है टर्म। ये टर्म आप ऐसे ही लिख लो क्योंकि हमने इसको पहले भी क्रिएट कर रखा है, तो आप टर्म लिख दो। कॉन्स्ट बना लो, एक नाम दे दो इसको रिस्पॉन्स। अवेट लगेगा क्योंकि हमने असिंक लगाया है। यूट्यूब डॉट गेट, यहाँ पे आपने लिखना है सर्च। सेम ऐसे ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। पैरम लगाएंगे, पैरम्स इसके बीच लगाओ क्यू, यहाँ पे हो गया क्या पैरम क्यू, यहाँ पे आएगा टर्म। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सिंटेक्स है जब हमने एपीआई के साथ काम करना है। एपीआई से हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब वहां पर देखेगा क्या हमने रिक्वेस्ट भेजी है, उसको चेक करेगा, फिर रिस्पॉन्स भेजेगा हमें। तो वो टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, टर्म क्या रहेगी हमारी कि हमें कौन सा डेटा चाहिए। टर्म हम उसको बोलेंगे हमने ये वाला चैनल ऐड किया है, इस चैनल की डिटेल भेज दो, तो वो वही चेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे चले जाते हैं, इस ब्रैकेट के बाद आपने सेट सेट वीडियोस करना है जो हमने लगाया हुआ है। सेट वीडियोस रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स डेटा आइटम्स। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि हमें रिस्पॉन्स चाहिए, इसको अपने वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आएगा सेट कर लेंगे। सिलेक्टेड वीडियो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आइटम, साथ में हमें जीरो एरे यूज करेंगे। अब यहाँ पर एरे लगाएंगे, जहां पर एरे नहीं लगाएंगे। एरे क्यों लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है मेरे पास एक मैंने वीडियो प्ले की, फिर दूसरी वीडियो प्ले की, फिर तीसरी, जितनी वीडियोज मेरे पास आनी है मैंने वन बाय वन प्ले करती जाऊंगी, उसके लिए हम एरे यूज करेंगे। उसके बाद बारी आती है कॉन्स्ट, एक और बनाओ। ऑन वीडियो सिलेक्ट नाम दे दो इसको। यहाँ पे आपने एक वीडियो ऑब्जेक्ट पास कर देना है, नाम कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर बस हमने करना है सेट सिलेक्टेड वीडियो। उसको कैसे पता चलेगा कौन सी वीडियो सिलेक्ट की है, तो मैं यहाँ पे जो भी वीडियो सिलेक्ट करूंगी मेरे अपने वेरिएबल है सेट सिलेक्टेड वीडियो में वो वीडियो चली जाए, ताकि वो ही वीडियो प्ले हो जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी। ये हो गया कंप्लीट हमारा कोड। अब यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे HTML में। ये जस्ट अभी हमारा ऐप डॉट जेएस कंप्लीट हुआ है, दो पेज हमने और क्रिएट करने हैं। और जहाँ पे हम चलते हैं सर्च बार हमें मिल गया, सर्च बार के ऊपर आपने लगाना है ऑन फॉर्म सबमिट। अब ये आपको याद होगा फॉर्म सबमिट हमने सर्च बार पे, जब सर्च बार क्रिएट किया पेज वहां पे हमने यूज किया था, इसलिए उसके साथ मैच करना, इसको चेंज नहीं करना। ऑन टर्म सबमिट यहाँ पे आएगा, जब फॉर्म सबमिट होगा ऑन टर्म सबमिट वाला फंक्शन वर्किंग में आ जाएगा। ऑन टर्म में वो चेक करेगा हमने क्या किस यूट्यूब चैनल का डेटा फेच करना है, ठीक है। और जहां पे हम लिखेंगे एक डिव, इसको एक क्लास ऐड कर दो, मेन कंटेंट। अब यहाँ पे मेन कंटेंट हमारा शो होना है, इधर आपने ऐड करना है वीडियो डिटेल। ये हमारा पेज का नाम या कंपोनेंट का नाम होगा, वीडियो डिटेल वाला हम एक क्रिएट करेंगे, उसके अंदर वीडियो, हमें वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो टैग आपने ऐसे ही लगाना है, इसको चेंज नहीं करना। सिलेक्टेड वीडियो हमारा ही वेरिएबल है, इसको आप मैच कर लेना, इसको मैंने क्रिएट कर रखा है सिलेक्टेड वीडियो। तो ये हमें एक वीडियो डिटेल इस वाले कंटेनर में वीडियो डिटेल हमें शो कराएगा, ये सारा काम इस वाले पेज का होगा। एक और डिव बनाओ, क्लास नेम ऐड करो, वीडियो लिस्ट। अब जो दूसरा पेज क्रिएट करेंगे वीडियो लिस्ट वाला, उसका काम होगा इधर मुझे वो पूरी की पूरी आउटपुट शो कराएगा। वीडियो लिस्ट को हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे, एक रहेगा वीडियो लिस्ट, मुझे वीडियोस चाहिए, तो ये वाला हम कीवर्ड क्रिएट करेंगे। ऑन वीडियो सिलेक्ट वाला मैंने क्रिएट कर रखा है, ऑन वीडियो सिलेक्ट, जो भी सिलेक्ट करेंगे वीडियो वो प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ऐसे ही कोड लगा देना है। अब जाके हमारे जो कोड कंप्लीट हुआ है, इन दोनों को हम यहाँ पे रेंडर कर देते हैं, या इंपोर्ट बोलते हो,
यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे, पहले पेज का नाम क्या है? वीडियो, लिस्ट, कॉपी, पेस्ट। दूसरे पेज का नाम है वीडियो डिटेल, कॉपी, पेस्ट। अगर आपने कॉम्पोनेटर नाम का फोल्डर बना रखा है, फोल्डर के अंदर आपने ये सारे पेज क्रिएट किया है, तो आपने यहाँ पर कॉम्पोनेटर के फोल्डर का नाम रखना है, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे ही। फिर जाके आपने इसको ऐसे ऐड करना है। तो ये आपके लिए सिंटैक्स रहेगा, अगर आपने कोई फोल्डर के अंदर रखे हैं सारे पेज, मैंने ओपनली रखे हैं तो सेम रहेगा। अब आपने पे सबसे पहले वीडियो लिस्ट वाला एक पेज क्रिएट कर लेना है, जो कंपोनेंट क्रिएट कर लो। यहाँ पर मैंने क्रिएट कर रखे हैं सारे, एक वीडियो लिस्ट वाला क्रिएट करना है, तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट, और जहाँ पे इसको आपने ऐसे ही इस वाले नेम से क्रिएट करना है वीडियो लिस्ट। अगर कोई और नाम है तो आपने यहाँ पर इसका नाम चेंज करना है, ठीक है, ऐप डॉट जी एस में इम्पोर्ट कर लो। जो वीडियो, यहाँ पर मैं एक बनाऊंगी वीडियो आइटम वाला, फ्रॉम वीडियो आइटम, इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। ये एक नया पेज बनेगा, इसके अंदर सारी की सारी आइटम हम क्रिएट करेंगे, तो इसको फिलहाल भूल जाओ, आपने इसको लगा के छोड़ देना है, ठीक है। इसको हम क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट बना लो एक, नाम इसको दो वीडियो लिस्ट। ये वाला नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर यहाँ पर वीडियो लिस्ट है तो इधर वीडियो लिस्ट लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये पेज का नाम है, ये हमारे फंक्शन का नाम होता है, तो यहाँ पर ये फंक्शन है वीडियो लिस्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वीडियो हमें चाहिए, ऑन वीडियो सिलेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट इसके हम पास करेंगे। कॉन्स्ट बना लो एक, नाम इसको दे लो रेंडर्ड लिस्ट, हमने वीडियो लिस्ट फेच करनी है। वीडियोस चाहिए हमें डॉट मैप के साथ, तो हम जरूर करेंगे, तो मैप लगाना है आपने। वीडियो इसका एक अपना खुद का वेरिएबल, और रिटर्न कर दे हमें, क्या रिटर्न करना है, वीडियो आइटम। अब ये वाला जो वीडियो आइटम है इसको हम क्रिएट करेंगे, की इज इक्वल टू वीडियो डॉट आईडी डॉट वीडियो आईडी। ये आपने, आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों बना रहे हैं। वीडियो इज इक्वल टू वीडियो, और जहां पे हम लगाएंगे ऑन वीडियो सिलेक्ट, ऑन वीडियो सिलेक्ट, जब मतलब कोई बंदा सिलेक्ट करेगा वीडियो, वही प्ले होनी चाहिए, वही आनी चाहिए सामने। तो यहाँ पर ऑन वीडियो सिलेक्ट वाला जो हमने बनाया हुआ है पहले, उसको हम यहाँ पर रेंडर कर देंगे। अब जहाँ पे मैंने ये आईडी लगाई है ना, ये आईडी आपने अपनी तरफ से नहीं लिखनी, ये आईडी उस वीडियो की आईडी होगी। मेरे पास 5 वीडियो आनी है, हर एक वीडियो की एक आईडी होती है, एक आईडी पे क्लिक करेंगे वही वीडियो प्ले हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए हम आईडी यूज करते हैं, इसको आपने चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे हम रिटर्न में चलते हैं, एक रिटर्न यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब इस वाले ब्रैकेट के बाद आके एक रिटर्न लगाओ दूसरा, इसके अंदर एक डिव लगा लो, इसको बंद कर दो, डिव को एक क्लास नेम ऐड कर दो, यूआई डिवाइडर लिस्ट। तो ये मेरे पास एक क्लास नेम है, इसको हम यूज करेंगे सीएसएस की डिजाइन करने के लिए। नाम आप रख लो इसका, यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है रेंडर्ड लिस्ट, तो ये वाला आपका मेन रहेगा रेंडर्ड लिस्ट, पूरी को पूरी लिस्ट इसी ने फेच करनी है, ठीक है। तो जैसे ही हम डिटेल वाला लगाएंगे ना कोड, दूसरे पेज का जब कोड लगाएंगे, तो ये वाली रेंडर लिस्ट अपने आप फेच हो जाएगी। इसको यहाँ पे चलते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको करना है, एक्सपोर्ट वीडियो लिस्ट। तो ये हमारा वीडियो लिस्ट वाला कोड कंप्लीट हो चुका है, और जहां पे मेरे पास एक एरर बता रहे हैं, चेक कर लेते हैं है किधर, ये वाली ब्रैकेट, ऐसे आनी है।
इसको कर दो सेव। अब इसको आप बंद कर सकते हैं। वीडियो लिस्ट वाला हमारा कोड कंप्लीट हो गया, ये वाला भी हो गया, सर्च बार भी हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब उसमें हमने वीडियो आइटम ऐड किया था ना, वीडियो आइटम पे आपने चले जाना, एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लो वीडियो आइटम का। छोटा सा कोड है इसका, इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। एक पेज में आप क्रिएट करेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने अलग अलग पेज बनाए हैं इसके। यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, कॉन्स्ट वीडियो आइटम। तो इसमें आपने नाम चेंज नहीं करने, क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर इसको पहले ही डिफाइन किया हुआ है। वीडियो आइटम मैंने उस पेज में लगाया हुआ है, वीडियो लिस्ट वाले पेज में, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखूंगी। एक इसमें वीडियो ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एक ऑन वीडियो ऑब्जेक्ट पास करना है, और जहां पे लगा दो रिटर्न, रिटर्न के बीच एक डिग लगाओ, ऑन क्लिक। ये बेसिकली वो चीजें रहेगी जिधर हमारी वीडियो प्ले होनी है, उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे। वीडियो प्ले करनी है तो ये कौन सी होनी है, ऑन वीडियो सिलेक्ट। जो वीडियो हम सिलेक्ट करेंगे वो इस डिव के अंदर जाके प्ले हो जाए। और जहां पे मेरे पास आएगा वीडियो वाला कीवर्ड, क्लास नेम आप इसको ऐड कर दो वीडियो आइटम, तो ये वाले आप क्लास नेम ऐड कर दो। इसको हम CSS के साथ यूज करके इसकी डिजाइनिंग कर देंगे, ठीक है? इसको हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आपने लगाना है कि इमेज। अब यहाँ पर इमेज कौन सी लगाएंगी, मैं टाइप कर देती हूँ, वैसे तो यही सेम कोड रहेगा। IMG क्लास नेम इसको ऐड करो, इसके बीच क्लास नेम इज इक्वल टू UI इमेज, सोर्स क्या रहेगा, इमेज आएगी। अब यहाँ पे इमेज क्यों लगा रहे हैं हम, पहले इसको लगा देते हैं वीडियो डॉट। यहाँ पर आपने सेम ऐसे ही लिखना है, स्निपेट लिखेंगे डॉट थंबनेल। अब ये हमें एक थंबनेल फेच करके देगा, जो भी वीडियो का थंबनेल है वो भी हमने फेच करना है। तो आप इसको बोलो थंबनेल चाहिए मीडियम साइज में चाहिए और URL। तो ये URL हम पास करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी इमेज चाहिए उसका एक URL होगा थंबनेल का, वो अपने आप चेक कर लेगा, तो हमें वहां पर थंबनेल उसका प्रोवाइड हो जाएगा। और ये वाला जो IMG टैग है हम इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, ऐसे बंद कर दो। और इसके अंदर आपने एक टाइटल लगाना है, तो मैं जहां पर लिखूंगी ऑल्ट लगाओ इज इक्वल टू वीडियो डॉट स्निपेट डॉट टाइटल, तो आपको टाइटल मिल जाएगा। अब एक कंटेंट ऐड करना है, ये वीडियो आइटम्स है कि हमें क्या क्या चाहिए। कंटेंट ऐड करने के लिए हम चलते हैं इस डिव के बीच ही लगा देते हैं, चलिए डिव, इसको एक क्लास नेम ऐड कर दो कंटेंट। कंटेंट में क्या रहेगा, सबसे पहले हम एक डिव लगा देते हैं, इसके अंदर एक क्लास नेम ऐड करो हेडर। हेडर के बीच क्या रहेगा, वीडियो स्निपेट टाइटल। तो हेडर के बीच उस वीडियो का टाइटल रहेगा, ठीक है? ये वाला जो टाइटल रहेगा, ये वाला अल्ट के साथ हमने लगाया है, ये वीडियो जो हमने इमेज फेच करनी है उसका टाइटल रहेगा। जैसे इमेज के टाइटल होते हैं ना SEO के लिए हम यूज करते हैं, सेम ऐसे ही इसका एक टाइटल होता है इमेज का, अल्ट के साथ फेच करते हैं। ये हेडर में हमारी वीडियो का टाइटल रहेगा कि उसका टाइटल क्या है, कौन सी वीडियो हमने प्ले की है। ये हो गया हमारा टॉपिक, ये वाला कंप्लीट हो गया। वीडियो आइटम वाला इसको हम बंद कर देते हैं, वीडियो आइटम वाला भी हो गया, इसको फिलहाल रिफ्रेश कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमें कुछ भी ज्यादा नजर नहीं आना, इसको हम चेक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं किया हमने वीडियो आइटम, जहां पे चलते हैं एक्सपोर्ट करना भूल गए, इसको कॉपी कर लो, एक्सपोर्ट कर लो डिफॉल्ट वीडियो आइटम। और वीडियो डिटेल को भी नहीं किया हमने, वीडियो डिटेल अभी की नहीं। चलिए ये हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। ये भी हमारा एक पेज क्रिएट हो चुका है। अब बारी आती है वीडियो डिटेल की, ये हमारा मेन पेज रहेगा, इसको आपने जहाँ पे ऐड कर देना है वीडियो डिटेल। वीडियो की जो भी इंफॉर्मेशन आनी है इसी ने ही फेच करनी है। बस इस कोड को आप बहुत ही अच्छे से समझ लो। वीडियो डिटेल को इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, फ्रॉम रिएक्ट इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं साथ में।
कॉन्स्ट बना लो एक नाम। अब जहाँ पे नाम आपने कौन सा लिखना है, वीडियो डिटेल, अगर जहाँ पे वीडियो डिटेल है, वीडियो लिस्ट है, वीडियो डिटेल है, सर्च बार है, जो सारे फंक्शन नेम है जो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, इधर वीडियो डिटेल लिखा हुआ तो आपने वीडियो डिटेल लिखना है, ये हमारे पेज का नाम होता है। तो मैं जहाँ पे वीडियो डिटेल लिखूंगी, इसके पीछे हमने दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं, जो एक कर दो वीडियो का, इसका बना दो एरो फंक्शन, इसको कर लो एक्सपोर्ट अभी, इसको करना है वीडियो डिटेल। चलिए इसका हम पूरा कोड लगाते हैं, कॉस्ट नाम इसको दे दो, चैनल इनफो कोई भी नाम दे दो इसको, सेट कर लो चैनल इनफो, एक लगा लो यूज स्टेट, चैनल इन्फो यहाँ पर नल रखेंगे पहले तो स्टार्टिंग में। अब आपने यूज इफेक्ट लगाना है, क्योंकि हमें जहाँ पे यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, हमने ऐसा सोचो कि हमने लाइव डेटा फेच करना है, जो जो चैनल पे चल रहा है वहां पर चेंजेस हो रही हैं, नई वीडियो आ गई, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, हमने वहां पर साइड इफेक्ट के साथ डेटा फेच करना है, तो उसके लिए मैं यूज इफेक्ट लगाऊंगी इफ वीडियो। अब जहाँ पर अगर मेरे पास कोई वीडियो है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फैच कर रहा हूँ, फैच चैनल डिटेल्स, क्या क्या करना है, वीडियो डॉट स्निपेट डॉट, ये कुछ कीवर्ड है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए यूट्यूब की एपीआई से डाटा फैच करने के लिए। मुझे वहां पे वीडियो चाहिए, स्निपेट चाहिए, चैनल आईडी चाहिए, एक हर एक चैनल की एक खुद की आईडी होती है, तभी हम देख पाएंगे कि एक पर्टिकुलर चैनल का डेटा मेरे पास आना चाहिए, वो आईडी के साथ आएगा। और जहाँ पे हम इसकी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, क्या लगाना है यहाँ पर, वीडियो, ऐसे हम यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, तो ये वाला जो होगा उसको हम डिपेंडेंसी भी ऐड कर देंगे। ये वाला इस ब्रैकेट के ऊपर लगाना है कॉन्स्ट, फैच कर लो चैनल डिटेल, फैच चैनल, ये वाला जो है इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बस इसको यहाँ पे डिफाइन कर देना, ठीक है, तो ये कोई फिक्स नाम नहीं है, आप यहाँ पर अकेला फैच भी लिख सकते हैं, चैनल भी लिख सकते हैं, बस इसको डिफाइन यहाँ पे करना है। और इसके पीछे क्या हम डिफाइन करेंगे, फैच करना है चैनल डिटेल जहाँ पे लगेगा, ये ऐसे नहीं आना, इसको हमने हटा के ये वाली ब्रैकेट हटा दो, यहाँ पर लगेगा असिंक, असिंक लगाना है, साथ में आएगी एक चैनल आईडी, ये वाली जो चैनल आईडी हमने यूज किया है ना उसी को हम यहाँ पे लगाएंगे, चैनल आईडी के साथ डेटा आएगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स आएगा, अब जहाँ पर ये वाला मेन है, रिस्पॉन्स आएगा वहां से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा अवेट, कहाँ से आएगा यूट्यूब से, अवेट यूट्यूब डॉट गेट कर लो, सर्च पहले हमने सर्च लिखा था, अब यहाँ पे हमें चैनल्स लिखेंगे कि मुझे चैनल्स चाहिए सारे के सारे, यहाँ पे लगाओ, कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं, इसी को हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, पैरम लगाना है, ये पैरम एक कीवर्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रही, पैरम से लगाना है, पार्ट रहेगा स्निपेट, आईडी रहेगी चैनल आईडी, तो इसी के साथ मिलके वो हमें डेटा प्रोवाइड करा देंगे, और जहां पर आएगा इज इक्वल टू अवेट, और ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ से ध्यान से इधर हमने इसको बंद कर देना है, ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसके बाद आपने कोड लगाना है, सेट कर लो चैनल इन्फो, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स में डेटा भेजेंगे, आइटम आइटम यहाँ पर 0 डॉट लगाएंगे स्निपेट, ये वाला जो आइटम्स है वो वहां से हमें जो जो डेटा भेजेंगे ना, पहले एक चैनल का आइटम, दूसरे चैनल, तीसरा चैनल, ऐसे एक एक चैनल की इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्निपेट हमारे पास एक कीवर्ड है जो यूट्यूब के साथ काम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसी ने हेल्प करनी है हमें डेटा फेच करने के लिए। जहां पे हम चलते हैं इफ नॉट वीडियो, वीडियो नहीं मिली तो क्या होगा, रिटर्न कर ले, आप जहाँ पे कुछ मैसेज लगा सकते हैं, जहाँ पर अच्छा सा एक लोडर बना सकते हैं, वहां पर मुझे लोडिंग लिखा नजर आ, ये कोड वर्क नहीं करेगा, अगर ये वर्क ना करे कोड पूरा
तो मेरे पास यहाँ पर कोई एरर आ जाए या फिर लोडिंग लिखा है कि अभी डेटा फेच हो रहा है, कॉन्स्ट वीडियोस, या आप इसको नाम दे दो वीडियो SRC, जब तक हम इसका सोर्स नहीं लगाएंगे हमें वीडियो नजर नहीं आनी। तो यही है कोड, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं आपको टाइप करके बताऊंगी। इज इक्वल टू जी वाला सिंबल प्रेस करना है एस्केप बटन के नीचे, HTTPS, यहाँ पे आपने YouTube का URL लगाना है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से टाइप कर देती हूँ YouTube.com, इनकी वेबसाइट का नाम। यहाँ पर आपने बस लगाना है इम्बेड, इम्बेड करना होता है आपने उनके चैनल को, उनके YouTube के डेटा को इम्बेड करना है अपने वेब ब्राउजर पे, जोड़ना है ठीक है। और जहाँ पे लगा लो डॉलर, किस चीज को इम्बेड करना है, मैं चाहती हूँ वीडियो को इम्बेड करना है, उसकी आईडी, वीडियो आईडी, इसी के साथ हम उसको इम्बेड करेंगे, जैसे गूगल मैप इम्बेड करते हैं सेम वैसे ही वीडियो करते हैं। कॉन्स्ट बना लो एक, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक मुझे टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक चैनल टाइटल चाहिए, चैनल टाइटल, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने फेच करनी है। वीडियो डॉट स्निपेट, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, इसको बता दो बस। अब यहाँ पे आपने रिटर्न लगा देना है, रिटर्न हम लगाएंगे इधर ही लगाओ रिटर्न। अब यहाँ पे आपने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जिधर शो करानी है, मतलब HTML जिधर हमें आउटपुट मिलेगी, div, एक और div लगाओ, क्लास नेम ऐड कर दो, UI embed, आई फ्रेम में हमें चाहिए, आई फ्रेम में उसकी लुक ज्यादा सही लगती है तो मैं आई फ्रेम लगाऊंगी, जहाँ पे जिसमें पूरी बड़ी एक वीडियो नजर आएगी ना, जहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी एक जो प्ले होगी वीडियो, तो वो आई फ्रेम होगा। सोर्स इज इक्वल टू, वीडियो कहाँ से आनी है, वीडियो SRC, वीडियो SRC में जो भी सोर्स होगा तो ये वाला सोर्स वो भेजेंगी, इसमें जो भी वीडियो आएगी बस उसको हम प्रिंट करा रहे हैं, शो करा रहे हैं अपने वेब ब्राउजर पे। टाइटल लगा लो साथ में, टाइटल इज इक्वल टू वीडियो प्लेयर, ये हो गया, आई फ्रेम लग गया। और आई फ्रेम के बीच, आई फ्रेम को आपने यहीं पे खत्म कर देना है, आप ऐसे भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं बंद, ये आसान रहता है। इस डिव के बाद आपने एक डिव लगा लेना है, क्लास नेम ऐड कर दो इसको, UI सेगमेंट, एक बार इधर जाके आउटपुट देखो, यहाँ पे देखो लोडिंग लिखा आ रहा है ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास API वर्क नहीं करी और YouTube इज नॉट डिफाइंड, इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं, ऐप वाले पेज में है, एक बार फिर से रिफ्रेश करके ऐप वाले पेज पे YouTube डिफाइंड नहीं है 18 लाइन में, चेक कर लेते हैं जल्दी से। ये वाला जो हमने YouTube लगाया है इसको डिफाइन नहीं किया, इधर हम चेक करते हैं, ऊपर चलते हैं, इधर हमने YouTube को फैच ही नहीं किया, तभी वो बोल रहा है कि मैंने वो हटा दिया था ना, इंपोर्ट कर दो YouTube फ्रॉम अपने पेज का नाम, क्योंकि इसी के अंदर तो हमारी API है। अब इस ये डिफाइन हो गया, YouTube वाला पेज था ना हमारा, ये वाला, ये ओपन नहीं करूंगी, इसके अंदर मैंने API लगाई है अपनी, YouTube वाला पेज है उसको आपने इम्पोर्ट कर लेना, इसको रिफ्रेश करो तो वो वाली एरर चलेगी ठीक है। अभी यहाँ पे लोडिंग आ रहा है, क्योंकि अभी लोडिंग ही आएगा, हमारा कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं एरर क्या क्या है। YouTube हो गया हमारे पास ये वाला रिजल्ट, अभी हमने इसको बोला नहीं है कि कितनी हमें वैल्यूज चाहिए, कितनी वीडियोस चाहिए, सेगमेंट में हमें चाहिए, आपने यहाँ पे लिखना है डिव, क्लास नेम इसको दो, UI हेडर, हेडर के बीच हमें क्या चाहिए, टाइटल, तो आपने यहाँ पे टाइटल बस अपना कीवर्ड लिख देना, तो ये वीडियो का टाइटल आ जाएगा।
इसको आप H4 में लिख दो, तो यहां पर H4 लिखो, H4 में आपको टाइटल मिल जाएगा, पैराग्राफ, पैराग्राफ में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन, चैनल की डिस्क्रिप्शन, साथ में एक हमें चाहिए चैनल इन्फो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी चैनल इन्फो। एंड ये हमारा दूसरा तरीका है कोड लगाने का, इन दोनों को आप यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके हटा दो। इसके अंदर आपने एक डिव लगाना है, क्लास नेम आप इसको ऐड कर दो कोई, इसको हम नाम चैनल दे देते हैं और चैनल इन्फो सही है, ये एक क्लास नेम होगी, चैनल इन्फो, IMG टैग लगेगा, साथ में इमेज भी आनी है, तो चैनल इन्फो इमेज सोर्स इज इक्वल टू चैनल इन्फो डॉट थंबनेल, जहां पे आएगा तो आप यहाँ पे थंबनेल लिखो, थंबनेल चाहिए डॉट डिफॉल्ट, मतलब जो वहां पे होगा वो थंबनेल मिल जाए, डॉट यूआरएल, उसका यूआरएल साथ में आपको मिल जाएगा, ऑल्ट चैनल टाइटल, तो यहाँ पर चैनल का टाइटल, ये कीवर्ड आपने ऐड करनी है तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको आप यहाँ पर एंटर करके इसको एक क्लास नेम ऐड कर दो, इमेज को क्लास नेम इज इक्वल टू चैनल लोगो, तो ये आपको लोगो फेच करके देगा, एक हो गया चैनल लोगो, एक यहाँ पर पी लगाओ, पी मतलब पैराग्राफ, इसके बीच लगाओ कीवर्ड चैनल टाइटल, चैनल का टाइटल आपको मिल जाएगा, एक यहाँ पे डिव होना है बंद, वो हमने बंद नहीं किया था, दो डिव यहाँ पर आ गई, एक जे वाला शायद हो गया, यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा किधर बंद होना है, इसको बंद कर देते हैं, लास्ट में पहले तो ये वाला जो IMG टैग है ना, इसको ऐसे बंद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी एरर क्रिएट करते हैं, बस इसको आप लास्ट में ये वाला बैक स्लैश लगा दो, यहीं पे बंद हो जाएगा। अब जहां पे एक डिव बंद होना है, ये वाला डिव स्टार्ट किया था ना, ये जहां पे बंद होना है, एक ये हो गया, एक ये वाला यहाँ पे होना है बंद, दो हो गए, एक रहेगा मेल, सही तो है, बस ये वाला डिव जहां पे एक बंद हो जाना है, ठीक है, ये वाली हमने ब्रैकेट स्टार्ट की थी ना, इस ये वाले डिव के ऊपर हमने स्टार्ट की थी, इधर आपने इसको बंद कर देना, एक बार चेक कर लेना है आपने किधर ये बंद होनी है, कंट्रोल एक्स करके इधर बंद करके देख लेते हैं, जिधर एरर चली जाए बस ये वहां पे लगा देनी है, तो यहाँ पर होगी, ठीक है, ये वाला डिव है, ये जहाँ पे खत्म हुआ है, इधर खत्म हो गया, इसके बाद ये वाली ब्रैकेट बंद कर देनी है, ये वाली जहां से लेके जहां तक, तो ये अलग ही कोड बाद में हमें नजर आएगा, इसको रिफ्रेश करो, हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है, अब हमारी एपीआई की बारी है, एपीआई हमारी अभी नहीं वर्क कर रही, तो यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे आपने आना है, मैंने इधर इसको इनेबल कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर स्टेटस इसका इनेबल आना चाहिए, तो ये वाली जो मेरे पास है एपीआई, यूट्यूब की एपीआई है, यहाँ पर डिसेबल लिखा हुआ है, मतलब मैं इसको डिसेबल कर सकती हूँ, ये डिसेबल तभी आएगा या अगर ये इनेबल होगा, जब तक ये यूट्यूब की एपीआई इनेबल नहीं होगी तब तक आपके पास ये एपीआई वर्क नहीं करेगी, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखो इनेबल हो चुकी है, ठीक है, मेरे पास डेटा आ चुका है, तो ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपके पास एपीआई वर्क ना करे ना, एपीआई की नई आईडी, ईमेल नई से एक नई की क्रिएट कर लो, ठीक है, तो बार बार आपने क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि ये गूगल का एक है, हमारे पास गूगल के साथ काम कर रहे हैं, एक बार आपके पास रिस्ट्रिक्शन लगी या उन्होंने कुछ भी यहाँ पर उन्होंने चेक किया, आप बार बार क्रिएट कर रहे हैं ना, कि
तो आपको डिसेबल कर दिया जाएगा गूगल से, ठीक है। तो आप यहाँ पर बार बार क्रिएट नहीं कर सकते एपीआई की, बस आपने इसको इनेबल कर देना। तो ये आप चेक कर लेना इनेबल कर रहा है। इनेबल कैसे करना है, यहाँ पर ये यूट्यूब डेटा एपीआई कॉपी लिखा, कॉपी कर लेना इसको, यूट्यूब डेटा एपीआई। यहाँ पर मैंने नया एक नई आईडी ओपन की है, यहाँ पर आपने लाइब्रेरी पे आके आपने इसको सर्च कर लेना है। एंटर करो, ये फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक करो। यहाँ पर देखो मेरे पास एपीआई इनेबल्ड लिखा आ रहा है। अगर आपके पास ग्रीन टिक लगा हुआ है, एपीआई इनेबल लिखा आ रहा है, तो सब कुछ ओके है। मैनेज लिखा आना चाहिए यहाँ पे बस, तो आपके पास पूरे का पूरा डेटा आ जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं, चेक कर लेते हैं मेरे पास क्या क्या आया है। ये है मेरे पास इन्फॉर्मेशन, एक बार मैं अपना चैनल सर्च कर लेती हूँ। इसको कर दो एंटर, तो ये आ गया चैनल, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये मेरे पास मेरा चैनल है, इस पे क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। इसको आपने थोड़ा सेट करना है, मतलब इसको ये देखो ऐसे आ रहा है ना, इसके लिए हमें सीएसएस ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं करवा देती हूँ। इसको हम बंद कर देते हैं, वीडियो भी बिल्कुल प्ले हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका टाइटल वगैरह भी आ रहा है। इसको हम थोड़ी सी मैं सीएसएस करवा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये हो गए, इसका टाइटल हो गया, और मेरे पास एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ ओके है। जब तक सीएसएस ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं हमें पता चलेगा। इम्पोर्ट कर लेते हैं सीएसएस फाइल को, मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर रखा है, बना रखी है सीएसएस फाइल, जस्ट मैं आपको दिखा दूंगी इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे भी आपको सही लगे। रिफ्रेश, इसको बैक कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करो और चलते हैं हम अपनी सीएसएस फाइल पे। ये है सीएसएस फाइल, छोटी सी है, इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। दिखा देती हूँ पूरी मैं कोडिंग इसकी, ये इतनी है बस। इसको हम बंद कर देते हैं, इसको आपने सीएसएस को हम इससे को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इस वाले पेज में भी इंपोर्ट कर देते हैं। वीडियो डिटेल हो गया, हर एक पेज में आप लगा सकते हैं, इसको इंपोर्ट कर लो। इधर लगी हुई है वीडियो आइटम, वीडियो लिस्ट, इसको सेव। ये वाली बेसिकली जो हमारे पास ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन है, ये राइट साइड आनी चाहिए, इसलिए मैंने सीएसएस ऐड की है। यहाँ पे जो ऐप डॉट जी एस है, इस पे आके एक हम एक और डिव ऐड कर देते हैं, मैंने इसको ऐड नहीं किया। मेन कंटेंट हमारा ये रहेगा, इसके बाद एक डिव लगा देते हैं, डिव इसको एक क्लास नेम ऐड कर देते हैं, वीडियो डिटेल की। इस वाले डिव को यहाँ से उठा के, ये स्टाइलिंग के लिए यूज होगा, और इसको हम बंद कर देते हैं लास्ट में। इसको रिफ्रेश करो, तो ये देखो ये राइट साइड में आ गया। अगर मेरे वाले सीएसएस आप फॉलो करेंगे ना, तो ये राइट साइड में आ जाएगा, अगर आपको ये राइट साइड में चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास पांच इमेजेस हैं, पांच मेरे पास वीडियोस हैं। आपने यूट्यूब वाले पेज पे जाके, ये वाला जो पेज है यूट्यूब वाला, वहां पे आपने इसकी वैल्यू चेंज कर देनी है, ठीक है। इधर मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये वाला है यूट्यूब वाला पेज, मैक्स रिजल्ट लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे 15 कर देती हूँ, तो आपको 15 वीडियो से नजर आनी है। इधर 5 है, इसको आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, 15 वीडियोस आपके पास आ जानी है, ठीक है। आपकी मर्जी है कितनी वीडियोस चाहिए, यहाँ पे आ जानी, ठीक है। और इसमें से कुछ भी प्ले करना है और सर्च करके देख लेते हैं कुछ। ये बहुत ही बेसिक एक प्रोजेक्ट है, इसको आप बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, व्यूज आपने फेच करने हैं, ठीक है। और जो भी होता है इसके रिलेटेड होता है, लाइक बटन हो गया, डिसलाइक बटन हो गया, सब कुछ एक एडवांस से आप इसका एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर आ गया, इसका टाइटल हो गया, जिसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, इसको स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। और इसके साथ हमारे पास चैनल नहीं आया, तो हमारे पास कोई ना कोई इशू है, बैक कर देते हैं। चैनल लोगो भी आना चाहिए साथ में, जल्दी से चलते हैं, इधर लोगो चाहिए हमें। वीडियो डिटेल में जाओ, वीडियो डिटेल वाला जी वाला पेज है,
लास्ट में आ जाना है आपने ये वाली IMG टैग लगा हुआ है, तो इसी में हमें लोगो फेच करके देना है। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पूरा कोड आपके पास सही लगा होना चाहिए। इमेज वाला टॉप पे आ जाओ, इधर आपने इंपोर्ट कर लेना है YouTube फ्रॉम YouTube, इसको कर दो सेव। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो लोगो आ गया, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे लोगो आ गया। अब यहाँ पे फिर से मैं अपना चैनल सर्च करती हूँ, एंटर करो, तो यहाँ पर लोगो आना चाहिए ठीक है हमारे चैनल का। तो ये आ गया, लोगो भी आ गया ठीक है, इसका नाम भी आ गया। यहाँ पे कुछ प्ले करो, तो यहाँ पर देखो थंबनेल भी आ गया, यहाँ पर वॉच और यूट्यूब का भी ऑप्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, एक ये टाइटल हो गया, शेयर का बटन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करो तो ये प्ले हो जाएगी वीडियो। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा क्राउड डाउन। यहाँ पर देखो चैनल लोगो बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है, इसको बैक करेंगे और बैक करो, रिफ्रेश करते हैं, या जो वाइट फॉन्ट कुछ वीडियोस होती हैं तो ये अपने आप उठा लेता है ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगर आपके पास कोई पे वर्क ना करे, कोई भी इश्यू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो नई टॉपिक के साथ।